रहे हो या जी 900 ले रहे हो, मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी सेम रहने वाली है। मतलब यार ये इतने जल्दी ये पैनल ढीले हो गए, साथ ही में आप यहाँ पर देखो मतलब कहीं ना कहीं, अभी मैं अगर आपको टैंक दिखाता हूँ ना, ये देखो टैंक पे आपको यहाँ पर अनसर्टेन गैप फील होगी, यहाँ पर देख लो। ये इतनी महंगी गाड़ी लेने के बावजूद ये पैनल में आप ये गैप्स देखो, फ्लक्चुएट देखो कैसा हो रहा है आरपीएम, मतलब आरपीएम बहुत ज्यादा है, फ्लक्चुएट करने लग गई, जो कि कावासाकी Z900 में एक नेगेटिव ही है। Z900 एक ऐसी बाइक है ना जो कोई बिगनर भी राइड कर सकता है, और सिटी एज वेल एज हाईवे दोनों जगह आप इस बाइक को इजिली कम्यूट कर सकते हो। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। बहुत टाइम बाद अपनी बीस्ट की वीडियो मेन चैनल पर आ रही है। जब से मैंने बाइक ली 2 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और सिर्फ एक या दो वीडियो ही मैंने इस बाइक के साथ डाली थी, बिकॉज मैंने इस पर एक सेकेंडरी चैनल ओपन करा था शिवरा 777, और जिन व्यूअर्स ने उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उनको इस बाइक से रिलेटेड अपडेट्स मिलते ही रहते होंगे। लास्ट टाइम मैं अपनी बाइक लेकर आया था इस चैनल पे, तब फुल सिस्टम एग्जॉस्ट नहीं लगा था, ऑस्टिन रेसिंग फुल सिस्टम लग चुका है। बट आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज 2 महीने हो चुके हैं मुझे इस बाइक कौन करते हुए, ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर चला चुका हूं। 2000 किलोमीटर ज्यादा तो नहीं होते, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। 2024 कावासाकी Z900 का ओनर्स एक्सपीरियंस मेरा, क्या कुछ माइलेज देती है, हालांकि जो ये बाइक लेता है वो माइलेज देखता नहीं है, बट क्या कुछ माइलेज देती है। अगर आप भी प्लान कर रहे हो आपकी ड्रीम बाइक है तो क्या कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट रहने वाली है, हैंडलिंग कैसी है, कंफर्ट कैसा है, सारी बातें आज की वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। साथ ही मैं राइडिंग एक्सपीरियंस पर्सनली मैं आपको राइड करके बताने वाला हूं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो कोई नए व्यूअर्स आए शिवरा 777 चैनल को भी चेकआउट कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस बाइक की प्राइसिंग शेयर कर देता हूं, जो भी कोई नए व्यूअर्स आए। मैंने इसे ऑलमोस्ट लिया था 11,27,000 रुपीज़ ऑन रोड में, और एसेसरीज मैं आपको बताने वाला हूं जिसके साथ ये गाड़ी मुझे पड़ गई 11.5 लाख रुपए की। तो जो कोई इस साल लेना चाह रहा है ना, 9,000 से 10,000 रुपए फिर से प्राइस बढ़ गई है, 9,38,000 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस हो चुकी है। वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, आप अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो वहां पर तो 12.5 लाख प्लस है इस बाइक का प्राइस। बट जहां पर एसेसरीज की बात आती है ना, मैंने मेनली तो इसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाया जिसकी कॉस्टिंग मुझे 60,000 आई। DNA का फिल्टर मैंने अपग्रेड कराया है, साथ ही में फ्रंट में आप देखोगे यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो मैंने फोक प्रोटेक्टर लगाए, साथ ही में यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने फ्रेम स्लाइडर्स इसमें लगाए, साथ ही में रेडिएटर ग्रिल यहाँ पर लगाई है, एग्जॉस्ट प्रोटेक्टर मैंने लगाया है, साथ ही में लास्ट एसेसरी हमारी आ जाती है स्पूल्स, ये हमने यहाँ पर स्पूल्स लगाए जो कि पैडॉक के लिए काम आते हैं। तो ये कुछ एसेसरीज मैंने इस बाइक के साथ इंस्टॉल कराई है। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है बहुत सारे लोगों की, ये बाइक ड्रीम बाइक होगी, माइलेज कंसर्न आता है, सबके दिमाग में आता है। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसका माइलेज देखता हूँ, अब 950 cc की बाइक लिए तो माइलेज कोई नहीं देखता, बट मैं आपको माइलेज बताना चाहूंगा। सिटी में मुझे दे रही है 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर, बिकॉज जब से एग्जॉस्ट लग गया है ना, आपको एग्जॉस्ट के इतने तगड़े रिएक्शंस मिलते हैं, तो आप खुद होके ज़्यादा हायर आरपीएम पे चलाते हो तो कहीं ना कहीं माइलेज उससे ड्रॉप होता है। हाईवे की बात करें तो अभी मुझे 17 से 18 का हाईवे पे गाड़ी माइलेज दे रही है, हालांकि मैंने इसके साथ और 10R के साथ एक माइलेज टेस्ट भी डाला है जिसमें हमने शिरडी का टूर करा था, और उसमें मुझे इस बाइक ने अराउंड 21 तक का माइलेज दे दिया था, बट वो आप स्टेडिली एक आरपीएम पे चलाओगे तो देती है। साथ ही में आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज इसके कुछ नेगेटिव्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुनाऊंगा, इसलिए वीडियो स्किप करके मत जाना। अगर आप इसका एग्जॉस्ट की वीडियो देखना चाहते हो ना, तो मैंने मेरे सेकंड चैनल पे इसके फुल इंस्टॉलेशन की वीडियो डाली है, और ये कस्टम एग्जॉस्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा लाउड रहने वाला है, हालांकि मैं आपको भी साउंड भी सुनाने वाला हूँ। वैसे देखो इस माइक में तो साउंड कैप्चर होगा नहीं, बट मैं आपको ऐसे ऑन करके दिखा देता हूँ, आईफोन के माइक से भी हम साउंड सुनने वाले बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि यार मैंने ये वाला कलर क्यों लिया, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे रेड कलर क्यों नहीं लिया आपने, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2024 में सिर्फ दो ही कलर स्कीम आ रही है, एक ये ग्रीन विद ग्रे कलर जो कि ग्रीन ग्रे एंड ब्लैक कलर है, और एक कंप्लीट ब्लैक कलर आ रहा है जो कि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। हालांकि ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना एक बार आप, मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही अट्रैक्टिव कलर चाहिए था जो ये अट्रैक्टिव लुक ये कलर प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात आती है, आप में से बहुत से लोगों की ये ड्रीम बाइक है, और जो भी कोई ड्रीम फुलफिल करने जाता है ना, दो चीजें बहुत दिमाग में कॉमन डाउट रहता है, एक तो सुपर बाइक का माइलेज, दूसरी चीज है मेंटेनेंस कॉस्ट। और जब भी कभी मेंटेनेंस की बात आती है ना, कावासाकी पहले से काफी महंगी रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी सर्विस हुई मेरी 11,000 रुपए की, जिसमें सिर्फ ऑयल चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ और नॉर्मल चेकअप हुआ, बाकी कुछ भी नहीं हुआ, बट फिर भी 11,000 रुपए मुझे लगे
बिकॉज इसमें जो ऑयल डलता है ना प्रीमियम क्वालिटी डलता है, और अपनी 10R है 1000 cc की, ये है 948 cc, तो कहीं ना कहीं 50 cc का फर्क है। और 10R की सर्विस भी 11 से 11500 की होती है, तो कहीं ना कहीं आप 10R ले रहे हो या Z900 ले रहे हो, मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी सेम रहने वाली है। अब देखो बेसिक बातें मैंने कर दी, जहाँ राइड एक्सपीरियंस की बात है अभी हम राइड पर चलने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ जेन्युइन नेगेटिव शेयर करने वाला हूँ। इतनी महंगी बाइक तो ले ली, बट हर बाइक के कुछ प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, भले ही वो कितनी भी महंगी हो कितनी भी सस्ती हो, कौन सी भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती। खुद मैंने कैमरा हाथ में ले लिया जिससे मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब इतनी महंगी गाड़ी है, 11.5 लाख रुपए आप इस गाड़ी के लिए पे कर रहे हो, नो डाउट ऐसे फिट फिनिश काफी अच्छी है, बट ये जो आप पैनल देखोगे ना, ये देखो यहाँ पर, पहले तो ये यहाँ पर आप पैनल की गैप्स देखो, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, मतलब यार ये इतने जल्दी ये पैनल ढीले हो गए। साथ ही में आप यहाँ पर देखो, मतलब कहीं ना कहीं अभी मैं अगर आपको टैंक दिखाता हूँ ना, ये देखो टैंक पे आपको यहाँ पर अनसर्टेन गैप फील होगी, यहाँ पर देख लो ये, और यहाँ पर भी देख लो। हालांकि मैंने PPF करवाए थे तो ये दोनों पैनल ओपन हुए थे, हो सकता है उसके कारण भी, बट आप किसी भी ओनर की गाड़ी देखोगे ना, ये देखो आप इतनी महंगी गाड़ी लेने के बावजूद ये पैनल में आप ये गैप्स देखो, तो कहीं ना कहीं यार फिट फिनिश में थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए कावासाकी को। ये टैंक मेटल है, उसके अलावा इस गाड़ी में कुछ भी मेटल नहीं है, सब फाइबर मिलता है। अब सेकंड नेगेटिव की बात करें, वो है इसकी पिलियन सीट। माना मैंने यार सुपर बाइक के कोई पिलियन को घुमाने के लिए लेता नहीं है, बट आप कभी भी इस बाइक के साथ लॉन्ग राइड नहीं कर पाओगे विद पिलियन, बिकॉज सीट की हाइट देखो कितनी छोटी है। यहाँ पर कोई भी दूसरा साथ में बैठ नहीं सकता पीछे लॉन्ग राइड्स पे, और स्पेशली ये जो हम्प इतना बड़ा है ना, तो पिलियन का पूरा वेट राइडर के ऊपर आता है, जो कि आप हाई स्पीड पे चलाते हो तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। तो आपको अगर लॉन्ग राइड्स करनी है तो काउली लगा लो, सिटी राइड्स के लिए आप इसे कंसीडर कर सकते हो, बाकी ऐसे लॉन्ग राइड में तो आपको पिलियन सीट कुछ भी काम नहीं आने वाली। हाईवे पे आ चुके हैं, अब राइड करके मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बिकॉज वहाँ स्पॉट में मुझे भी मजा नहीं आ रहा था, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा चल रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको दो नेगेटिव शेयर कर दिए, एक तो ये देखो पैनल गैप आपको यहाँ पर विजिबल होगी, और दूसरा जो नेगेटिव बताया मैंने आपको पिलियन सीट का बताया, और हालांकि अभी भी हम विद पिलियन ही राइड करने वाले हैं। बट थर्ड नेगेटिव अभी मैं आपको पर्सनली दिखाता हूँ राइड करके। जब मैंने नई बाइक ली थी ना, कोल्ड स्टार्ट होने के बाद भी इसका RPM ऐसा रहता था ना कि सेकेंड गियर पे भी अगर मैं थ्रॉटल नहीं दूं तो गाड़ी ऑटोमेटिक काफ़ी अच्छी पावर जनरेट कर लेती थी। अब लाइक अगर मैं एक्सेलेरेटर छोड़ता हूँ ना, ये देखो ऐसे, ये अब देखो फर्स्ट गियर पे फ्लक्चुएट देखो कैसा हो रहा है RPM, मतलब RPM बहुत ज़्यादा है, फ्लक्चुएट करने लग गई, जो कि कावासाकी Z900 में एक नेगेटिव ही है। सभी की Z900 आप अगर 1500 से 2000 किलोमीटर चलाओगे ना, तो RPM फ्लक्चुएट होने वाला इशू आपको आने ही वाला है, तो कहीं ना कहीं RPM सेट करवाना पड़ेगा। और वैसे भी मैं इसमें XP95 फ्यूल डलाता हूँ, बहुत सारे लोगों ने बोला फ्यूल के कारण वो इशू आ रहा है, और साथ ही में हीटिंग टेम्परेचर तो इसकी पहचान ही है। अगर मैं इसका मोड चेंज करता हूँ, राइडर मोड पर टेम्परेचर शो नहीं करता है, अभी देखो सिर्फ गाड़ी स्टार्ट करी 89 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, तो देखो ऑब्वियसली बात है सुपर बाइक है तो सिटी में तो हीट करेगी, हाईवे पे नहीं करती है, बट फिर भी हीट इतनी करती है कि मुझे स्पेशली ठंड में काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब देखो थोड़ी पावर लेकर मैं आपको दिखाता हूँ, पावर डिलीवरी है ना इसकी इतनी प्यारी है ना, मतलब अभी मैंने ज़्यादा इसे पुल करा नहीं, बट जब भी राइड करता हूँ ना, जहाँ राइडिंग एक्सपीरियंस की बात आती है, कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कंफर्ट इतना बढ़िया है ना, पिलियन के लिए तो कोई भी कंफर्ट नहीं है, बट राइडर जो राइड करता है ना उसको बहुत ही बढ़िया लगता है, और एज़ कम्पेयर टू 10R ज़्यादा कम्फर्टेबल मुझे ये लगती है। लाइक यहाँ पर आप हैंडल बार देखोगे ना, काफ़ी अपराइट पोस्चर है, तो आपको बैक पेन जैसा भी इशू नहीं आएगा। और Z900 एक ऐसी बाइक है ना जो कोई बिगनर भी राइड कर सकता है, और सिटी एज वेल एज हाईवे दोनों जगह आप इस बाइक को ईजिली कम्यूट कर सकते हो, बट जहाँ पर 10R की बात आती है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। साथ ही में देखो ओनर्स एक्सपीरियंस में मैंने बेसिक तो बहुत सारी चीज़ें शेयर कर दी, ब्रेकिंग की बात करें ना तो देखो ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बिकॉज फ्रंट में ड्यूल डिस्क मिलता है, अगर मैं हल्का सा भी फ्रंट डिस्क दबाता हूँ ना, ये देखो बहुत ही प्रॉपर ब्रेकिंग इसमें आपको मिलती है। पर जो दो तीन नेगेटिव थे ना मैंने आपको शेयर कर दिए, एक तो RPM फ्लक्चुएशन का, हीट तो हालांकि मुझे साइड से फील हो ही रही है, और बाकी ये पैनल गैप जो है मुझे सबसे बेकार चीज़ लगी। ओवरऑल जो मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस है ना पहले से इस बाइक के साथ बहुत ही बढ़िया रहा है, और यार कहीं ना कहीं जब आपकी ड्रीम बाइक रहती है ना तो आप उसमें कभी नेगेटिव कंसिडर भी नहीं करते हो, बिकॉज ड्रीम बाइक एक ड्रीम पूरा होना ही सबसे बढ़िया चीज़ रहती है। और ये बाइक बिकती भी इसलिए बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पर इससे बेटर बाइक इंडियन मार्केट में नहीं है। अगर मैं इसको हार्शली चलाता हूँ ना तो मेरे 4 से 5 हज़ार किलोमीटर पे ब्रेक पैड भी खत्म हो जाएंगे और टायर भी खत्म हो जाएंगे। इन दो चीज़ों को डलाने के लिए 15,000 रुपये तो करीबन मुझे ब्रेक पैड में ही लग जाएंगे, फ्रंट में 2 डिस्क के और रियर में 1 डिस्क के वो मिला के। साथ ही में टायर सेट अच्छा आता है 35,000 से 40,000 रुपीज़ का। ये दो बड़े खर्चे रहते हैं अगर आप सुपर बाइक ओन कर रहे हो तो।
जरा से में वीली मार जाती है तो यार मजा ही कुछ और आता है इस बाइक को पुल करने में। अब यहाँ पर वर्डिक्ट की बात आती है ना, देखो मुझे 2 महीने में गाड़ी काफी बढ़िया लगी है। राइडर मोड जो दिख रहा है ना आपको, इस पर मैं अभी अभी चलाना स्टार्ट करा है, बिकॉज नए में मैं राइडर मोड पे चलाता नहीं था, बिकॉज बहुत एग्रेसिव मुझे लगती थी इसकी पावर। रेन मोड एंड रोड मोड पे ही चलाता था, बट अब धीरे धीरे मैं इस बाइक के साथ कंफर्टेबल हो गया तो राइडर मोड पे मैं राइड कर रहा हूँ। काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपनी ड्रीम बाइक को लेकर, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे मुझे इससे ज्यादा बेटर बाइक मिलती नहीं। साथ ही में जो बच्चों का फैन बेस है, जो यूथ का फैन बेस है ना कावासाकी की ओर, वो तो नेक्स्ट लेवल है। सो गाइस यार आज के ओनर्स एक्सपीरियंस को भी एंड करते हैं। इस वीडियो के थ्रू चैनल पर आया ना तो सिर्फ 2 काम है आपके, अगर आप सुपर बाइक लवर हो तो शिवराज 777 चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट हो, कार बाइक्स दोनों लवर हो, नॉलेज जानना अच्छा लगता है तो क्लासिक गियर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार एक अच्छा सा कॉमेंट भी करके जाना। सो गाइस मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।